हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मंटू मार्टिन। तो एक भाई का सवाल था, विनोद भाई का, कि पीएचसी और सीएचसी के बारे में पूरा जानकारी दे, जो हम लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में और जिला में या तो प्रखंड लेवल में जो छोटा अस्पताल होता है और फिर हम लोगों को जिला में जो सदर अस्पताल होता है, तो उसमें एक कहा जाता है पीएचसी और सीएचसी। तो विनोद भाई का सवाल था कि पीएचसी और सीएचसी के बारे में जानकारी दें कि आखिर इसमें कौन कौन से इलाज होते हैं और ये दोनों में क्या होता है। तो आप लोगों का भी किसी प्रकार का वीडियो के लिए क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा भाई के लिए। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आपको हम जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों, जो पीएचसी होता है ये अपने प्रखंड लेवल में और ग्रामीण क्षेत्र में होता है, और पीएचसी का मतलब ही होता है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार के अंतर्गत जो है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, तो किसी भी प्रकार का बुखार आ जाए उसकी जांच करना हो, छोटा मोटा चोट लग जाए उसके लिए दिखवाना हो, या तो आपको मलेरिया, टाइफाइड, फलेरिया, एचआईवी और टीबी और ब्लड शुगर और बीपी का बढ़ना, बीपी का कम होना, किसी भी प्रकार की जो प्रेगनेंसी में महिलाएं होती है उनका वजन का माप करना, बच्चे का वजन का मापना, कुपोषित बच्चों को भी जो है सो जांच करना, तो ये सब जितने भी छोटे छोटे प्राथमिक इलाज होते हैं और जांच होते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है आपका पीएचसी, जो कि हम लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में होता है और प्रखंड स्तरीय क्षेत्र में भी होता है। अब आ जाता है सीएचसी। तो सीएचसी होता है सामुदायिक उपचार के लिए। जैसे कि हम लोगों का जो जिला अस्पताल होता है, जिसको हम लोग सदर बोलते हैं, और एक ठो अपना प्रखंड लेवल में जो अनुमंडलीय अस्पताल होता है, तो उसको भी हम लोग सीएचसी बोलेंगे। तो सीएचसी के अंदर, जैसे कि पीएचसी में क्या होता है कि सैंपल सिर्फ ऐसा ही प्राथमिक उपचार होता है, लेकिन सीएचसी में क्या होता है कि जांच की सारी सुविधाएं उसमें अवेलेबल होती है। जांच का मतलब कि सारे प्रकार, जितने भी प्रकार के आपके ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, आपका एक्सरे है, आँख का इलाज हो, किसी भी प्रकार का जो एक्सीडेंटल मामला हो जाता है तो उसका इलाज हो, और गर्भवती महिलाओं के लिए जो इलाज होता है, बच्चों के लिए जो इलाज होता है, तो जितने भी तरह का इलाज होता है, तो ये सब जितने भी प्रकार के इलाज से संबंधित जांच होते हैं और उसका एक्सरे होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, तो ये सारे प्रकार के ब्लड टेस्ट, एक्सरे, जांच, ये सब सारा जो है सो आपका सीएचसी केंद्र में होता है, यानी कि सीएचसी हॉस्पिटल में होता है। और जो पीएचसी होता है तो पीएचसी से सीएचसी बड़ा होता है। पीएचसी ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है और सीएचसी जो है सो अनुमंडलीय स्तर पर होता है। और सीएचसी में जब आप इलाज कराते हैं और वहाँ पर यदि आपका इलाज पूरा नहीं हो पा रहा है, यदि वो सक्षम नहीं कर पा रहे, तो वही आपको रेफर कर देते हैं जिला अस्पताल, यानी कि जिला अस्पताल, सदर अस्पताल आपको रेफर कर देते हैं। तो जो सदर अस्पताल में रेफर होता है वो सीएचसी के द्वारा होता है। बाकी हमने जो लिस्ट आपको दिखाएं तो इसमें भी बहुत सारे इलाज के बारे में भी जानकारियां दी हुई है। तो इस प्रकार से सीएचसी और पीएचसी में अंतर है दोस्तों। तो यदि आपको इलाज कराना होगा तो अपना जो सरकारी अस्पताल रहता है वहाँ पर 5 रुपये का टोकन लगता है, और तो वहाँ पर जाके आप चेक करा सकते हैं। बहुत सारे जगह पे बहुत ही अच्छा सुविधा होता है और कहीं कहीं पे बढ़िया सुविधा नहीं भी होता है क्षेत्र के अनुसार से, तो आप एक बार जाके जरूर देख लें। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक भाई के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी को हम आप लोगों के लिए हमेशा लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए।